आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक बूढ़ा पांडे स्थित भूजपुर आशा गांव पड़ा। लगभग 5000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में आशा यादव इस गांव की प्रधान है, जिन्होंने अपने गाँव में बेहतर विकास कार्य करवाए हैं। बात अगर गाँव में आने वाले लाभों की करें तो गाँव में सभी पात्रों को प्रधान द्वारा सभी तरीके से लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वहीं बात अगर शिक्षा की करें तो लगभग 225 बच्चे जूनियर व प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस टीम को बताया कि उनके द्वारा पानी की आपूर्ति गांव में कराने के लिए लगभग 26 हैंडपंप लगवाए गए हैं और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 40 बिजली के पोल व 6 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में मुहैया करा दिए गए हैं। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि उनके द्वारा गाँव में सड़कों का निर्माण करवाया गया है, साथ ही शौचालयों का निर्माण करवाकर ग्रामीणों को वितरित भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वह सरकार के स्वच्छ भारत मुहिम व शौच मुक्त अभियान में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, इसलिए गांव को शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य से उन्होंने इन शौचालयों का निर्माण करवाया व पात्रों में वितरित भी किया है। वहीं इंदिरा आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले आवासों का आवंटन भी पात्रों को किया जा चुका है। साथ ही सोलर लाइट व स्ट्रीट लाइट भी गाँव में सड़कों पर लगवाई जा चुकी है, जिससे ग्रामीणों को अंधेरों में न जाना पड़े। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि उनके गांव में जल्द से जल्द एक शमशान घाट, बारात घर, पंचायत घर आदि का निर्माण करवाएं, जिससे गांव में विकास की गति तेज हो सके। प्रधानपति कृष्ण पाल यादव, ग्राम पंचायत भूजपासा, ब्लॉक मूढ़ा पांडे, जिला मरावा। हमने जो है विकास कार्य कराए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट और RCC खड़ंजे वगैरह, टाइल्स आदि का कार्य कराया है। और अभी हमारी सरकार से मांग है, शमशान घाट की अति आवश्यकता है हमारी ग्राम पंचायत के लिए। और शमशान घाट के अलावा हमारे यहाँ पर एक पंचायत घर की भी आ सकता है, एक बारात घर की भी आ सकता है। वहीं ग्रामीणों ने भी एबीपीएस टीम से बात करते हुए प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की समीक्षा की और बताया कि गांव में प्रधान द्वारा बेहतर विकास कार्य कराए गए हैं, गांव में सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरा नाम कुसुम देवी, मैं यहाँ इंचार्ज अध्यापिका हूँ और यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, खाने की भी अच्छी व्यवस्था है। 80-90 बच्चे सब आते हैं यहाँ पर।